हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। और ये पेपर जो है, ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग है, रिसर्च इन एजु डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, और 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे की टाइमिंग है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को स्पष्ट कीजिए, दिए गए प्रदत्त से माध्यिका की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन 14 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखीय सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, दिए गए प्रदत्तों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना एवं व्याख्या कीजिए। तो ये बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर ये क्वेश्चन सेट है और आपको इसमें आंसर करना है। और फिर आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स है, टिप्पणी लिखनी है, 7-7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दोनों पॉइंट्स पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, तब जाके एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला है, ए मानक विचलन का उपयोग, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो द्विपंक्तिक सहसंबंध का उपयोग, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। तो ये 14 नंबर का आपका पेपर होगा और क्वेश्चन होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है, एक पुच्छीय परीक्षण एवं द्विपुच्छीय परीक्षण, टाइप 1 एवं टाइप 2 त्रुटियां, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ये 4+10 का क्वेश्चन है, यानी कि 4 और 10 नंबर मिक्स करके है। टी परीक्षण की मान्यता स्पष्ट कीजिए, दिए गए मूल्यों की सहायता से विज्ञान संकाय तथा कला संकाय के छात्रों के मध्यमान के अंतर की सार्थकता का परीक्षण कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, ये भी शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है आपको 7-7 नंबर की, मुक्तांश का संप्रत्यय, न्यादर्श एवं न्यादर्श त्रुटि को आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं, अप्रचलित परीक्षणों की मान्यताओं एवं उपयोगों को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित सारणी से काई वर्ग की गणना कीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 7-7 नंबर की। पहला पॉइंट है चिन्ह परीक्षण, और दूसरा पॉइंट है प्रदत्त विश्लेषण में कंप्यूटर प्रोग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो ए और बी पॉइंट में करके टिप्पणी आपको देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 14 नंबर का क्वेश्चन है ये, शोध प्रश्न से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य एवं परिकल्पना लिखने की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं,
शोध प्रस्ताव के विभिन्न सोपानों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है।